अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आप मेरी खुशी का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं थंबनेल से कि मैं कितना खुश होंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, बहुत सारे आपके परेशानी भी मैंने इस वीडियो में कवर करी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ के होते होते मैं हूँ एक मेकअप आर्टिस्ट। मैंने घर में छोटा सा मेकअप स्टूडियो खोला है जहाँ मैं क्लाइंट्स लेती हूँ। मैं ब्लॉगर भी हूँ, जो कि मैं इंस्टाग्राम में अपनी ब्लॉगिंग करती हूँ। मैंने वहाँ एक पेज खोला है क्योंकि मुझे डिजाइनिंग करने का बहुत शौक है। मैं फैशन डिजाइनर समझ ले मुझे, क्या मैं डिजाइनिंग करती हूँ, वो भी मेरा एक पेज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें मैं मैनेज करती हूँ। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल खोला और यूट्यूब चैनल खोलने के बाद मैं वीडियो डालती रही। तो मैंने एक वीडियो डाली बियर्ड डॉग्स चढ़ने की, और मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे उस वीडियो में, इतना प्यार। आई एम सो 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 हैप्पी। मैं इतना खुश हुई थी जब मैं इतने सारे वीडियो उसमें इतने सारे कमेंट्स आप लोगों के। अच्छा, मेरा ये था कि उन कमेंट्स के मैं आपको जवाब तो दे रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं आप लोगों की वो मदद नहीं कर पा रही हूँ जो कि आपको चाहिए। वेट कैसे कम किया था? मैंने 7 डेज का चैलेंज रख लिया आप लोगों के साथ, यही के 7 डे का चैलेंज रखते हैं और मैं आप लोगों का चैलेंज करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैं आज से 4 साल बाद ये सारी डाइट कर रही हूँ। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने आज से 4 साल पहले की थी, क्योंकि जब मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो मैंने उसको इस तरह रिड्यूस किया था। मैंने आपको पहले बताया 3 मंथ आप स्ट्रिक्ट डाइट कर लो और आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने ये हफ्ते में ये 2 से 3 दिन कर सकते हो आप, फिर आप नॉर्मल डाइट करो, फिर 3 दिन करो नॉर्मल डाइट करो, तो आपका वेट रिड्यूस होगा इंशाल्लाह। मेरा स्टक किया हुआ वेट था 66। मैं 66 से नीचे आती ही नहीं थी, पोषण कंट्रोल में थी, मेरा वेट सही था, स्टिल चल रहा था। लेकिन जब मैंने आप लोगों के साथ वो पुरानी चीजें, वो पुरानी डाइट करी और आप लोगों का प्यार भी आता रहा और मैं इंजॉय करती रही, 7 डेज मैंने बहुत इंजॉय किया आप लोगों के साथ कि ये डाइट जो मैंने शेयर करी ना आपसे, बहुत ईजी, बहुत क्विक। इसमें जो मैंने रेसिपी शेयर की है, पॉरेज की जो शेयर करी है, क्विक बन जाता है। आपको मैंने जौ की जो रोटी बताई है, 3 दिन की वो आटा बताया मैंने, 1 दिन में आप 1 रोटी खा रहे हो तो 3 दिन चल जाएगा आराम से। मतलब ये वो नहीं है कि आप ये बोलो कि ये चीजें बनाने के लिए हमें लेजी हो रहे हैं। आपने लेजी नहीं होना, एंजॉय करके ये 7 डेज के चैलेंज जो मैंने आपसे शेयर करा है वीडियो, वो क्या नाम है, डाइट। अच्छा, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। मेरे पास ये मैसेज आया था कि आपकी जो डाइट 4 है वो हम 1 कर सकते हैं। आप लोग इसको आगे पीछे किसी भी तरह कर सकते हैं। मैंने सिर्फ शेयर किया आप लोगों से अपना वेट जिस तरह मैंने रिड्यूस किया था, ये 7 डेज ये मैं ये खाती थी, इस तरह खाती थी, ये चीज थी, वो चीज भी थी, तो मेरे इंचेस भी कम हुए। आई एम सो सो हैप्पी एंड मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ, जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये आज दिखा रही हूँ, ये आज की मेरी रिसेंटली वेट है जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ वीडियो में। मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको दिखा सकूं। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, मेरे पास ये भी सवाल बहुत आ रहे थे कि आप जो कैलोरीज ले रही हैं वो बहुत लो कैलोरीज ले रही हैं। लेकिन मैं हेल्दी फूड ले रही हूँ, उसमें कोई बैड कैलोरीज नहीं है, यानी ये फैट वाली कैलोरीज नहीं थी। इसमें मुझे हर चीज मिल रही है, मुझे मिनरल मिल रहा है, मुझे न्यूट्रिशन मिल रहा है, मुझे प्रोटीन मिल रहा है, मुझे फाइबर मिल रहा है, मुझे कार्ब्स मिल रहे हैं, मुझे ईच एंड एवरीथिंग मिल रहा है। अगर आप किसी ने मुझसे भी पूछा आप कैसे निकालें सारी चीजें, तो बहुत ईजी है, पॉरेज लिखें और उसके बेनिफिट्स लिख लें तो आ जाएगा। दलिया लेके उसे बेनिफिट्स लिखें, जौ की रोटी के बेनिफिट्स लिखें, सूप के बेनिफिट्स लिखें, वेजिटेबल के बेनिफिट्स लिखें, आप जो भी बेनिफिट लिखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ आ जाता है, इसमें ये प्रोटीन है, इसमें ये न्यूट्रिशन है, इसमें ये, तो आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं। तो मैं कहा ये बहुत मेरे पास सवाल था कि आपकी कैलोरीज बहुत कम है। ये कैलोरीज जो मैंने ली है, ट्रस्ट मी, मैं एनर्जेटिक ही रही हूँ। ऐसा नहीं मुझे किसी भी दिन ये महसूस हुआ कि आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ या मैं बहुत मैं गिर रही हूँ वीकनेस से। जब हमारी बॉडी को चीजें नहीं मिल रही होती है तो हम वीक फील करते हैं। जब मुझे भूख लगी, मैंने आपको शेयर भी किया, मैंने सैलड ले ली, कबाब ले लिया, जब मुझे भूख लगी मैंने कॉर्न की चाट ले ली, सब मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। उसमें हर एक 7 डेज की हर एक डाइट चैलेंज मैंने आपसे जो बात आई है, रेसिपीज वगैरह, वो सब कुछ शेयर मैंने किया कि मुझे भूख लगती थी तो मैं क्या करती थी। अब आपको भूख लग रही तो आप हेल्दी वे में ले रहे हो ना, आप अच्छा ले रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा इंटेक कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। किसी का ये भी मैसेज था कि हम चाहते हैं कि हमारा जो वेट है ना वो जल्दी रिड्यूस हो, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे मैंने वीक में 2 की, आप 3 डेज कर लो, कोई कुछ भी नहीं होने वाला, आप कर सकते हो। आप 4 डेज भी कर सकते हो अगर आपके अंदर हिम्मत है,
तो अगर हिम्मत नहीं है तो आप 3 डेज करो, तो आपका वेट जो मेरा जो वेट रिड्यूस हुआ है ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से हुआ होगा जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे मैंने आज से ये 4 साल पहले की थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैंने अब जाके दोबारा की तो मेरा वेट हिला है। मैं आपसे क्लियर कर दूं, जो परेशान है शायद कम कैलोरी से हम वीक तो नहीं हो रहे, अगर आप ये देखो कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और यहाँ हमें कोई भी बीमारी होती है तो वो क्या बोलते हैं सबसे पहले कि चावल रोटी छोड़ दे, हेल्दी फूड मिल जाते हैं, वो हमें लिक्विड मिल जाते हैं, दलिया खा ले, पॉरेज खा ले, सूप पी ले, क्यों वो हमें रोटी चावल बन कर देते हैं हमारे, कभी सोचा है आपने? इसलिए क्योंकि रोटी चावल से ज्यादा, मैं आपको बताऊं ना, रोटी चावल से ज्यादा एनर्जी इनमें है, इन चीजों में, ये इतना आपको एनर्जेटिक लगता है क्योंकि आपको ये अच्छा खासा न्यूट्रिशन दे रहा है। मैंने कहा इसलिए आज मैं एक वीडियो बनाऊं इस पर कि आपको ये बता सकूं कि किस तरह आप वेट रिड्यूस करो, ये 7 डेज की जो डाइट आप आगे पीछे कर सकते हो, डेज वगैरह वो कोई इश्यू नहीं है। और मेरे बीच में संडे वाले दिन एक वो आया था, मेरे पास केक आया था, मैं आपको दिखाती, वो मैंने आज खाया है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब आप डाइट कर रहे हो ना तो अपने मुंह में जिप लगा लो, तो मैं मुझे किसी ने कहा भी था कि आप कैलोरीज कम आप ले सकती हैं, मैं ले सकती हूँ, डेफिनेटली मैं ले लेती, लेकिन जो मेरा जो आज मुझे खुशी हुई 2 kg कम देख के अपना, एक हफ्ते बाद जब मैंने देखा 2 kg, अच्छा मुझे फील तो हो रहा था कि मैं जैसे कि मेरे इंचेस कम हो रहे हैं, यानी मैं शीशे में अपने आपको देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा था मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मैंने नहीं देखी थी वेट मशीन, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, जब आप वेट करते हो तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। इसलिए मैंने आपसे कहा जब भी आप डाइट कर रहे हो और गोल के चक्कर में हो कि हमें ये इतना गोल लेना है, मतलब इस गोल तक पहुंचे, तो आप मत देखा करो वेट मशीन, क्योंकि कम सम टाइम हमारे इंजेस कम होते हैं, वेट रिड्यूस नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अगेन, ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, आपने अपना वेट को मेंटेन रखना है, जिनकी वेट ज्यादा है उन्होंने कम करना है तो इस तरह कम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये 7 डेज की जो चैलेंज मैंने आपसे शेयर किया है आपको बेनिफिट दे। जब वो मेरा तक किया हुआ वेट आप लोगों के मैंने शेयर करवाया, फर्स्ट डे की मैंने 66 आपको दिखाया मेरा वेट ये था, और अब मेरा वेट 64 है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये खुद देख लें कि 7 डेज की चैलेंज, मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं ली, ना मैं सप्लीमेंट को आपको रिकमेंड करूंगी, ना ऐसा कोई चीज है कि कोई भी कावा या कोई भी ऐसी जड़ी बूटियां आपका वेट रिड्यूस कर ले। आप नॉर्मल चावल भी खा लो, रोटी भी खा लो, और आपका वेट किसी भी जड़ी बूटियों के ग्रीन टी से या टी से हो सकता है, नहीं हो सकता। कोई भी सप्लीमेंट वक्ती तौर पर आपका वेट रिड्यूस कर देगा, लेकिन जहां आपने वो छोड़ी आपका वो वेट इस तरह बढ़ाएगा कि आप वापस को कम कर ही नहीं सकते हो। मैंने जब आपसे डाइट शेयर करी है, ये डाइट अगर आप छोड़कर नॉर्मल पोषण कंट्रोल में भी आते हो तो आपका जो वेट जो आप गोल कर चुके तो इंशाल्लाह वो वेट तो नहीं बढ़ेगा। और किसी ने मुझे ये बोला ही नहीं आप वीडियो डालती रहिएगा, तो डेफिनेटली मैं वीडियो डालती रहूंगी, मैं बिल्कुल, मुझे आप लोगों से बात करने की आदत हो चुकी है, तो जब किसी से हम आदत हो जाती है ना, जब किसी से हमें मोहब्बत हो जाती है तो डेफिनेटली फिर हम वो चीज करते हैं, यानी मुझे आप लोगों से एक फैमिली जैसे इन्वायरमेंट मुझे लगता है कि नहीं यूट्यूब मेरी फैमिली है, तो मैं वीडियो से डालती रहूंगी इंशाल्लाह। बस आप मुझे मोटिवेट करती रहा करें, और अगर आपको कोई भी मुश्किल हो वेट रिड्यूस करने में, कोई चीज नहीं समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो में या मेरी आने वाली वीडियोस में कभी भी कहीं पर भी पुरानी वीडियोस में किधर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट्स में सबके पढ़ती हूँ। इस डाइट प्लान को स्टार्ट करो, आगे पीछे कर सकते हो, मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं है कि आपने जिस फर्स्ट डे में जो मैंने किया वही आप फर्स्ट डे में खाओ पियो, आप आगे पीछे कर सकते हो, आप रेसिपी आगे पीछे कर सकते हो, आज ये खा ले कल वो खा ले, आप 2 दिन स्ट्रीम चिकन ले सकते हो, आप 2 दिन सूप ले सकते हो, आप 2 दिन पॉरेज वाला सूप ले सकते हो, कुछ भी। मैंने सिर्फ जस्ट आपसे शेयर की ये सारी रेसिपीज वगैरह ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो, और आगे मजीद मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। जैसे कहा किसी ने कि आप शेयर करेगा, डेफिनेटली किसी ने होम टूर का भी कहा है, तो आगे इंशाल्लाह आपको मेरे इस चैनल में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली है। अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है आप लोगों के लिए भी। 2-3 लड़कियों का मुझे ये भी मैसेज आया हुआ था कि हम बोर होते हैं घर में, उसके ऊपर बात करें या हमें मोटिवेट करें कि किस तरह हम कोई काम करना चाहते हैं, हम किस तरह काम करें, तो मैं इंशाल्लाह सब चीजों पर आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रही होती हूँ, मैं सब लिख लेती हूँ कि आज मैंने किस पे वीडियो बनानी है, किस पे नहीं वीडियो बनानी। और एक और सवाल मैं मुझसे लोग बाबा पूछ रहे थे मेरी हाइट का, और आपको पता है मेरी हाइट मैंने कब अपनी इंचेस किए हुए थे, जो मैं 9 में थी 10 में थी, तो मेरे फिक्स में वही माइंड में रहा कि मेरी 5.5 है, तो उस टाइम 5.5 होगी। आज मैंने चेक किया ऐसे ही रेंडमली मेरे माइंड में, मैं चेक तो करूँ मेरी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट 5.6 है।
तो जब मेरी 0.6 है तो मेरा जो वेट है 64, अब मेरा वेट आइडियल हो गया है। वैसे तो मेरा 68 भी ठीक है, अंडर वेट हूँ 68 अगर मेरा वेट होता है, बट जेनेटिक्स जो मेरी है ना वो तो बीजी चबी वाली है, तो उसको इसलिए मुझे डाइट अपने आप को हमेशा डाइट पे रखना पड़ता है, इसलिए क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो जल्दी पुट ऑन हो जाती है। डाइट छोड़ दूँ मतलब डाइट यानी नॉर्मल खाने में आ जाए तो मेरा वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। और जब आप 2 किलो, सुनने को आ रहा है 2 किलो कम हुआ है, बट अगर आप पिक्चर चेक करो तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि वाकई नजर आ रहा है कि 2 किलो केजी कम हुआ है। तो मतलब हमें कहने को आता है 2 केजी, लेकिन वो नजर आता है कि 2 केजी कम हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरी ये जर्नी 2 केजी वाली इंजॉय की होगी, कि मैंने किस तरह की, वो मैंने आपके साथ चैलेंज करा है और आपको सबको सब पता है। अगर ये न्यू सब्सक्राइबर हो, ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने यहाँ तक पहुंच गए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आपको मेरे चैनल में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है इंशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मजीद मैं आगे और आपसे रेसिपी शेयर करती रहूंगी जो मैं न्यू बनाती रहूंगी अपने, क्योंकि अब मुझे 64 को मेंटेन करके चलना है तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। जब कभी बाहर जा करूंगी तो वो भी शेयर करूंगी कि अब मैं कितनी कैलोरीज ले रही हूँ, कितना ले रही हूँ, सब कुछ, क्योंकि मैंने बहुत इंजॉय किया आप लोगों के साथ ये चीज। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस और मेरा वेट लूज जर्नी वगैरह सब बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।